नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। मुंगेर के पोलो मैदान में आज महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के सम्मान में मीट भात का आयोजन किया गया था, मीट चावल बनाया गया था, लेकिन इस दौरान भारी बवाल हो गया। जदयू के कार्यकर्ता और महागठबंधन के जो कार्यकर्ता थे वो आपस में ही भिड़ गए। मीट चावल खाने के लिए खूब जमकर जो है धक्का मुक्की हुई है। फिर बाद में मामला इतना बिगड़ गया कि पुलिस को भी लाठी चलाना पड़ा है। आपको बता दें कि ये जो खबर है वो मुंगेर के पोलो मैदान का है, जहां पर महाभोज का आयोजन किया गया था। मटन का लुफ्त उठाने के लिए बड़ी संख्या में महागठबंधन के कार्यकर्ता शामिल हुए थे। इसी दौरान मटन खाने को लेकर कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और उनके बीच मारपीट शुरू हो गई, जिसके बाद महाभोज जो है रण क्षेत्र में बदल गया और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर लात घूंसे चलने लगे। हालात को बिगड़ते देख महाभोज की सुरक्षा में तैनात पुलिस जवानों ने मारपीट कर रहे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर उन्हें मौके से खदेड़ दिया। इस दौरान पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं की जमकर पिटाई की। पुलिस की पिटाई से बचने के लिए कार्यकर्ता जो है गिरते पड़ते वहां से भागने लगे। इस भगदड़ में सदर DSP राजेश कुमार सिन्हा घायल हो गए हैं। उस दौरान गुस्साए महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने जदयू के प्रखंड अध्यक्ष के साथ धक्का मुक्की भी की है, लेकिन ये जो वीडियो है अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। महागठबंधन के महाभोज में महाहंगामा हुआ है। मीट चावल खाने के लिए महागठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में भिड़ गए, आपस में लड़ने लगे और जो है इस वीडियो को लेकर जो विरोधी पक्ष है वो भी खूब जमकर तंज कस रहा है। विरोधी कह रहे हैं कि महागठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं वो मीट चावल मीट भात खाने गए थे और लात भात खाकर वापस लौटे हैं। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले को संभाल लिया है। वहां पे मौजूद नेता जो हैं कार्यकर्ताओं से लगातार अपील करते रहें कि आप लोग शांति बनाए के रखें, लेकिन मीट चावल खाने के दौरान जो है महागठबंधन के कार्यकर्ता जो है आपस में जमकर भिड़े हैं और इसका जो वीडियो है खूब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और जो लोग हैं तरह तरह के तंज कस रहे हैं। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।